संजू सैमसन के लिए शनिवार 12 अक्टूबर 2024 का दिन बहुत ही ज्यादा अहम है। सैमसन के T20 इंटरनेशनल करियर के लिहाज से ये उनके लिए सबसे बड़ा दिन साबित हो सकता है। एक और खराब पारी उनका T20 इंटरनेशनल करियर खत्म कर सकती है। जी हाँ, ये बात मैं सही बोल रहा हूँ। इसी पर बात करते हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकेट। दोस्तों, आपसे एक शिकायत है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, संजू सैमसन का नाम जब भी लिया जाता है तो कहा जाता है कि वह बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। इतने टैलेंटेड हैं कि उनका टैलेंट निकलकर सामने ही नहीं आ रहा है, खासकर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। वे IPL में खूब रन बनाते हैं, चौके छक्के जड़ते हैं, लेकिन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी हवा निकल जाती है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका टैलेंट रफु चक्कर हो जाता है। पहले मैं उनके आंकड़े आपको बता देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। संजू सैमसन ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कुल 32 मैच खेले हैं, जिनकी 28 पारियों में उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। 3 बार वे नाबाद रहे हैं और कुल 483 रन ही बना पाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 77 रन है। इन 77 रनों के अलावा उनका एक और अर्धशतक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में है, लेकिन कोई भी शतक उन्होंने आज तक नहीं जड़ा है। सैमसन का औसत T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 19.32 का है। 364 गेंदों का भी सामना कर चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट 132.69 का है। 42 चौके और 19 छक्के ही वे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ पाए हैं। आप उनके T20 करियर का लेखा जोखा यहाँ देख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, साल 2015 में उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, लेकिन 2024 तक वे करीब 9 साल में सिर्फ 32 मैच ही खेल पाए हैं। 2015 में डेब्यू करने के बाद उनको 5 साल बाद T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरा मौका मिला था। इस दौरान हर कोई बात करता था कि वे बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन जब मौका मिला तो फिर उन्होंने निराश कर दिया। 2015 में जब उन्होंने डेब्यू किया था तो उस मैच में 24 गेंदों में एक चौके की मदद से जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ 19 रन बनाए थे। डेब्यू के 5 साल के बाद वे दूसरा T20 मैच खेलने उतरे तो सिर्फ 6 रन बना पाए। तीसरे मैच में उन्होंने 8 रन बनाए, चौथे मैच में 2 रन, पांचवें मैच में 23 रन, छठे मैच में 15 रन, सातवें मैच में 19 रन, आठवें मैच में 27 रन, नौवें मैच में 7 रन, 10वें मैच में उनका खाता नहीं खुला, 11वें मैच में बैटिंग नहीं आई, 12वें मैच में 39 रन बनाए और 13वें मैच में 18 रन के बाद उन्होंने 14वें मैच में जाकर 77 रन की पारी खेली, जो उनका T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बेस्ट स्कोर भी है। 14 पारियों में वे एक अर्धशतक तक पहुंचे। इसके बाद 13 मैचों के बाद उनके बल्ले से एक और अर्धशतक निकला। वे अपने करियर में 4 मैचों में तो 0 पर आउट हुए हैं, जबकि 7 मैचों में दहाई का आंकड़ा पार भी नहीं कर पाए। अब आप ऐसे में उनको कितना टैलेंटेड कहेंगे, ये आप डिसाइड करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि वे आगे भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मौका डिजर्व करते हैं या नहीं, करिए कमेंट जल्दी से। फिलहाल मैं अपनी बात पर वापस आ रहा हूँ। शनिवार 12 अक्टूबर 2024 का दिन उनके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा अहम क्यों है? दरअसल 12 अक्टूबर को टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों के T20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलना है। इस सीरीज को टीम इंडिया ने 2-0 से जीत लिया है और तीसरा मैच सिर्फ खानापुर की जैसा होगा। इसमें नए नए खिलाड़ियों को आजमाया जा सकता है, लेकिन सैमसन के करियर के लिए ये मुकाबला बहुत अहम है। इस सीरीज में वे बतौर ओपनर खेले हैं। पहली पारी में उन्होंने 29 रन जरूर बनाए, लेकिन दूसरे मैच में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में अगर तीसरे मैच में उनको ड्रॉप कर दिया जाता है तो वैसे भी T20 इंटरनेशनल करियर उनका लगभग खत्म हो जाएगा। और अगर हैदराबाद में होने वाले मैच में उनका बल्ला नहीं चला और वे एक बार फिर कम स्कोर पर आउट हो गए तो फिर उनको कभी भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो यह है कि वे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं, हालांकि फील्डर के तौर पर भी खेल सकते हैं और खेलते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात फील्डिंग और विकेट कीपिंग की नहीं बल्कि एक बल्लेबाज की है। आपको अगर एक बल्लेबाज के तौर पर खेलना है तो आपको रन बनाने ही होंगे। इसके अलावा विकेट कीपर के तौर पर देखें तो कई और नाम हैं जो युवा हैं, और वहीं संजू सैमसन 30 वर्ष के करीब के हो चुके हैं।
ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगर उनके लिए हैदराबाद का मैच खराब रहा तो T20 इंटरनेशनल करियर से उनका पत्ता कट जाएगा, आगे शायद उनको मौका ना मिले। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।